का काम नाही, चालू रहने दो. काय आहे माझ्या जवळ कशाला एवढे लोक थांबले आहेत? चलो बाहेर, चल बाहेर. मुम्बरा के शंकर मंदिर तालाब के पास छठ पूजा के दिन होने वाले कार्यक्रम को लेकर एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता और रीदा रशीद आज आमने सामने आ गए. इस दौरान दोनों तरफ से तू तू मैं हुई है. आपको बता दें कि छठ पूजा के दिन रीदा रशीद का तालाब के पास एक कार्यक्रम होने वाला है. साथ ही एनसीपी पार्टी और छठ कमेटी के तरफ से भी यहां पर एक कार्यक्रम किया जाएगा. स्टेज लगाने को लेकर आज तालाब के पास जमकर विवाद हुआ है. आपको बता दें कि शानू पठान, पल्लवी शिवा जगताप, अन्य एनसीपी के कार्यकर्ता तालाब के पास स्टेज बनवा रहे थे. तभी वहां पर रीदा रशीद भी पहुंची और काम रुकवा दिया. इस दौरान दोनों तरफ से लोग आमने सामने आ गए और जमकर हंगामा हुआ. अब आने वाले 30 अक्टूबर को किसका स्टेज तालाब के पास लगेगा और कौन तालाब से हटेगा, ये देखने वाली बात. मगर तालाब के मुद्दे पर दोनों तरफ से जमकर राजनीति हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है. आज किस तरह से तू तू मैं हुआ है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे. और स्टेज लगाने को लेकर शानू पठान, पल्लवी शिवा जगताप, चेतना दीक्षित और रीदा रशीद ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे. क्या गलत है? आज 10 दिन का काम नहीं, चालू रहने दो ना, मालूम भी पड़ने दो. एक महिला इतना काम करती है उसके बाद ये ऐसा सब. दस दिन से तालाब का काम चल रहा है, ठीक है, पूरा काम हो गया. सबको पता है कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है. आज से वो उसका काम चालू हुआ, बराबर. आपने मुझे, आपको पता है 2018 में भी ऐसी तकलीफ देने की कोशिश हुई थी लोगों के तरफ. मत करो, पहली बात नहीं, पहली बात गुमराह नहीं कर रही हूँ. मेरे को गुमराह करने की जरूरत भी नहीं. 2000 नहीं, सुनिए ना यार, नहीं मेरे को नहीं सुनना. ये तुम्हारे को तुम्हारा कार्यक्रम करना, करो. करूंगी. यहाँ पे आया था स्थानिक नगर से. काय आहे माझ्या जवळ कशाला एवढे लोक थांबले आहे? चलो बाहेर, चल बाहेर. तुम्ही महिला आहेत म्हणून काय फायदा उचल करता? कोई नाही जायगा, इधर ही रुकेगा. मैडम मंदिर मंदिर जरा मंदिर.
मंदिर का एहतराम करो, जरा मंदिर का, मंदिर का जरा एहतराम करो। हाँ मंदिर में क्या आवाज ऊंची करके बात कर रहे हैं, मंदिर है ना, शांति से बात करो, शांति से बात करो। मंदिर में बहनों का कुछ है, ये सब प्लान पहले से ही चल रहा है सब कुछ, और वो कुछ जो पूजा करने के लिए कुछ करता है वो सब उनको वहाँ पर मैं करके देने वाली हूँ, इतना ही है। अरे जग जाहिर है, मैंने सबके सामने डिस्कस किया है, आज आके फटाफ जो भी छोड़ ये मेरा बता दिया। चलो भाई चलो भाई, क्या डिसीजन क्या हुआ अभी यहाँ पर आप लोगों के बीच में काफ़ी तूतू मैमय हो गई, अभी बातचीत हुई, क्या डिसीजन हुआ है? देखिए ऐसा है कि यहाँ पे रीधा मैडम की तरफ से कार्यक्रम है और यहाँ पे स्थानीय कॉरपोरेटर सातपुत ताई उनकी तरफ से कार्यक्रम है, पर वो लोग भी छठ पूजा के टाइम पे कुछ बंदोबस्त करते थे और मैडम ने इस वर्ष एक कार्यक्रम रखा है, तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ना कि कोई लड़ाई हो सके, धार्मिक मामला है, छठ पूजा का मामला है, तो ऐसा हम सोल्यूशन करने की कोशिश करें कि ये भी करें और वो भी करें अलग अलग जगह, ऐसा अंदर सोल्यूशन चल रहा है। लेकिन अभी 30 तारीख को छठ पूजा है, ऐसे जानकारी सामने आई कि इनका स्टेज यहाँ पर लगने वाला था, तो आप लोग उसके पहले ही यहाँ पर जगह लेकर जो है जो है स्टेज लगा रहे हैं। गोपनीय जानकारी मिली? गोपनीय? कहाँ से गोपनीय जानकारी मिली है हमें, आप बताइए ना, ऐसा कुछ है कि नहीं? तुमको भी, तुम ही बोल रहे हो कि हमको जानकारी मिली, कहाँ से मिली? 30 तारीख को है छठ पूजा, जानकारी कहाँ से मिली? हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा। तो यहाँ पे जो है हर साल दूसरे लोग करते थे, इस साल मैडम यहाँ पे एक कार्यक्रम लगा करने वाली है, तो इस वजह से वो कार्यक्रम में लड़ाई ना हो, वो और ये अलग अलग जगह कार्यक्रम करे, ऐसा हम लोग व्यवस्था करवा रहे। अब देखते हैं पुलिस क्या बोल रही है, पुलिस का ऐसा बोलना है कि तुम यहाँ पे लड़ाई नहीं चाहिए, लड़ाई होगी तो हम किसी को परमिशन नहीं देंगे, लेकिन अभी वो स्थानीय कॉरपोरेटर के साथ पूछ रहे हैं कि बेटी पल्लवी आई है, उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारा अलग जगह कार्यक्रम करो और इनका अलग जगह, ताकि शांति से कार्यक्रम हो, लड़ाई ना करें। तो आपका स्टेज कहाँ पर रहेगा? अभी वही पुलिस डिसाइड करना पड़ेगी, मैडम बता रही कि मैं यहाँ कर रही हूँ, यहाँ उनको पूछते हैं, उनको तुम उनको राय देंगे, तुम अपोजिट साइड करो, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है छठ पूजा की, जैसे गणपति घाट बनता है, तो गणपति घाट के टाइम पे सभी लोग अपनी तरीके से अलग अलग पार्टी के लोग अपना करते, उधर लड़ाई नहीं होती, इसलिए अगर ये छठ पूजा है तो मैडम भी चाहे तो अपनी जगह पर कार्यक्रम करे, उनको भी कार्यक्रम करना है वो भी करे, हर जन 10 जन आके जहाँ जो कार्यक्रम करना चाहता है वो 10 लोग आके कार्यक्रम करे, जरूरी नहीं कि एक ही आदमी कार्यक्रम करे, ये धार्मिक मामला है और सामाजिक मामला है, तो सभी चक को इजाजत होना चाहिए कार्यक्रम करने। ठीक, रीधा मैडम आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पर पहुँचे तो जो स्टेज बांधा जा रहा था इसका काम रुकवा दी थी आप? नहीं, क्या हुआ है आप लोगों को सभी को पता है, 10-12 दिन से काम चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है मेरा, तो अभी मुझे पता चला कि अब बाबा कुछ गलत फहमी हो गई है कि उन किधर बांध रहा है करके, लेकिन ये तो सबको जग जाहिर था मेरा कि यहाँ मेरा मंच आने वाला है, तो उसी पे से अभी मैंने आके बोला उन लोग को कि मेरा यहाँ मंच आने वाला है, यहाँ सिटिंग होने वाला है, यहाँ पर महिलाओं के लिए चेंजिंग वगैरह रूम बनने वाला है, तो वही वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ लगाते, तो उनका कहना है कि उनको चाय का स्टॉल वगैरह लगाना है, तो ठीक है जो है उनको करना है वो अपना आसपास कर ले, क्योंकि ये सिर्फ रीधा रशीद का प्रोग्राम नहीं, ये सभी बहनों का प्रोग्राम है, ये सभी जातियों का प्रोग्राम है, तो इसमें कोई किसी का रोक टोक नहीं है, लेकिन इतना ही है मेरा कहना कि जो प्लान हुआ है, जो इस बार हम जो हिसाब से कर रही है संस्था काम, तो बस उसी प्लान में सब लोग शामिल हो और सब लोग ऑलमोस्ट सब लोग शामिल तो अभी इसे मंदिर का ये गेट है, यहाँ पर ही स्टेज बांधा जा रहा था, तो आप लोगों का अभी कैसे, शानू भाई ने बताया कि अभी कोई उनका कंफर्म नहीं कि स्टेज कहाँ रहेगा, अभी उनका कंफर्म नहीं, मेरा इधर ही होगा, उनका अभी पता नहीं मुझे, वो डिस्कस कर रहे हैं, मेरा यहाँ ही होगा, आप लोग को पता है NOC यानी आपका ये मंदिर के गेट के पास ही, मंदिर के गेट के पास ही, और पता है आप लोग को भी NOC ले लिया है, पुलिस का भी बातचीत हो चुका था, मेरा TMC भी बनने का भी सब काम हो चुका है, तो ये सब चीज़ों पर काम चल ही रहा है, तो अभी देखिए अभी वो कहाँ पर बांधते हैं, लेकिन मेरा वही मैंने उनको बता दिया कि जो इतने दिनों का प्लानिंग था क्या ऐसा ऐसा है प्लानिंग, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो अभी देखते हैं उनको कहाँ बांधना है, क्योंकि मंदिर का आंगन है, वहाँ पर सभी को एंट्री है और सभी सब अपने हिसाब से भक्त अपने हिसाब से दान जो भी करना है कर सकते हैं, तो उसमें मैं कैसा बोल सकती हूँ, लेकिन मेरा जो प्लानिंग है वो मैंने उनको अभी बताया। पल्लवी जी आपका भी कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है और काफ़ी संख्या में आपके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, विवाद भी यहाँ पर खड़ा हो गया था स्टेज बांधने को लेकर, तो शानू भाई ने तो अभी बताया कि कुछ स्टेज का कंफर्म नहीं है, और रीधा मैडम कह रही हैं कि उनका स्टेज गेट के पास रहेगा, आप लोगों का कहाँ फिर रहेगा कुछ ऐसा अभी? मैडम इस साल कह रही है कि स्टेज कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर हर साल हम लोग स्टेज करते थे, जो हमारी उत्तर भारतीय छठ पूजा महापरिवार जो कमिटी है, हम लोग सब मिलाकर, मेरे साथ इसमें शशि भाई भी है, उनका पूरा ग्रुप है, जो कमिटी
पहले से कर रही है यहाँ पे प्रोग्राम, इसके पहले भी स्टेज जहाँ पर लगता था वहीं पर लगेगा, प्रोग्राम भी वहीं पर होगा। एक तो गलत तरीके से, एक तो यहाँ पे बैनर लगा है, ऐसे बैनर लगाने से कोई मैं कर रही हूँ या ये संस्था कर रही है ऐसा नहीं होता है। ये काम आमदार साहब, उन्होंने 2014 में निधि लाया था, उसके बाद अभी 2017 में वो काम शुरू किया था। बीच में थोड़ा डीले होने के बाद जब छठ पूजा आती है तभी सबको सब जाग जाते हैं, और वो तो जाने दो, लेकिन इस साल अभी इलेक्शंस नज़दीक है तो बहुत लोग जाग रहे। और ये शंकर मंदिर परिसर है, तो यहाँ पर एक ऐसा परिसर है ना कि 55 साल शायद हमें पता भी नहीं, गिन भी नहीं सकते, तब से ये मंदिर है यहाँ पर। यहाँ पर इसके पहले धार्मिकता के ऊपर या धार्मिक कार्यक्रम के ऊपर ऐसा कभी हुआ नहीं था कि मैं करूँगी, मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं था। यहाँ पर सब मिल बांट कर गए साल तक प्रोग्राम शांति से हो रहा था। इस बार यहाँ पर न जाने क्यों ये सब चीज़ें हो रही है जो हमें भी नहीं चाहिए। परसों आमदार साहब ने कहा है कि जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है वो सबने सुना है, और जिस तरीके से पहले भी प्रोग्राम हुआ था उसी तरीके से इस साल भी होगा। आपके काम को लेकर आरोप लग रहा है कि आप दूसरे का काम ले रहे हैं। आरोप नहीं है, जानकारी थोड़ी सी कमी है, आरोप नहीं है। आरोप तो ऐसे लगते रहते हैं, जो अच्छा काम करेगा उस पर आरोप लगेगा। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि ये जो भी साल में फंड आया, ये आया, वो आया, उसको दूर रखते हुए मैं अपना जो काम बनता है, जिनके लिए बनता है, जैसे कि हमारे गणपति भगवान का विसर्जन के टाइम था तो जब विसर्जन के लिए यहाँ नहीं आना पड़ता है, हम लोग मंडलों में काम करते हैं। देवी का विसर्जन था, विसर्जन के लिए भी यहाँ पर टीएमसी का बंदोबस्त होता है, टीएमसी काम करती है, पुलिस काम करती है, तो हम लोग मंडलों में काम कर रहे थे। आपको हमारे मेरे फेसबुक पे सबको दिखेगा। लेकिन छठ पूजा ऐसा प्रोग्राम है, छठ पूजा ऐसी मान्यता है कि अब बहने यहीं आके प्रोग्राम करती है, वो बाहर प्रोग्राम कहीं होता नहीं है। तो छठ पूजा है, तालाब है, तो तालाब को आके आपने देखा होगा, तालाब पर पुराना फोटो और अभी का फोटो, पुराना फोटो देख लीजिए तालाब का और अभी का दिखा दीजिएगा फोटो, ये सब बनाना करना ठीक है। अभी उन्होंने कहा है वो कब का चालू है, क्या हो रहा है, मैं उसमें गिरी भी नहीं हूँ और आगे भी नहीं गिरूंगी। मुझे जितना करना था मैंने किया, आगे भी जितना करना बनेगा उतना करूंगी। और बस प्रोग्राम बोलते ना हमेशा, लास्ट टाइम भी लगा था और हम लोग भी, मैं भी खुद आई थी उसमें, लेकिन ठीक है इस बार क्यों हम नहीं कर सकते हैं कि मुमरा में बड़ा प्रोग्राम हम सभी के लिए। आज इतना बड़े जश्न से हमारे गणपति का प्रोग्राम होता है, माता का प्रोग्राम होता है, हमारे क्या होता है, वो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो छठ पूजा नहीं होना चाहिए क्या? छठ पूजा बड़े प्रोग्राम में नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए छठ पूजा, होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, अभी तक जब तक जितने प्रोग्राम हुए हैं ना हर साल वैसे ही होनी चाहिए, हम लोग भी वही, उससे बड़े पैमाने पर हो। पल्लवी जी, लोग ये सवाल, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 2018 से इस तालाब की निधि आई, काम शुरू हुआ, अगर आप लोग वक्त रहते इस तालाब को अगर पूरा कर दिए होते, इसे पूरा जैसा मांगा जा रहा था वैसा बनाकर दे दिए होते, तो आज ये नौबत ही नहीं आती यहाँ पर कि आपस में काम के श्रेय लेने के लिए, मंच लगाने के लिए झगड़े लड़ाई यहाँ पर होते। काम का श्रेय लेने के लिए और मंच का लगाने के लिए, ये श्रेय लेने के लिए कोई नहीं, जिसका काम है वो श्रेय परसों आके लेके गया है कि ये मेरी तरफ से काम हो रहा है और यहाँ पर ध्यान रखो। और मेरे पिछली बार भी न्यूज खबर चली थी, थोड़ा बहुत काम हुआ था, उसके बाद कहा गया था हम बना देंगे, अगर बन गया होता तो ये झगड़ा लड़ाई होता ही नहीं। तालाब के लिए जो बजट सैंक्शन हुआ था, अभी अगर इस बार भी नहीं बना तो अगले साल फिर ऐसे ही झगड़ा लड़ाई होगा, क्योंकि यहाँ पे जो समिति है जो काम कर रही है उस समिति को ही जिम्मेदारी दी गई है। और यहाँ पर आवर साहब ने आकर खुद बोला है कि मैं 50 लाख समिति के जो शशिराज है उनको साहब ने बोला है मैं आपके लिए सैंक्शन करवाता हूँ मई महीने में जब पानी कम होगा, क्योंकि छठ पूजा में उनको उतरने के लिए जो रैंप लगता है उसके लिए हम लोगों ने पिछले साल भी व्यवस्था की थी। इस साल हम लोगों ने इसीलिए वहाँ पर कॉन्क्रीट कराया कि वहाँ पर व्यवस्था हो महिलाओं को बैठने के लिए, सिर्फ कलर करने से, मेकअप करने से लोगों की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ पर बैठने के लिए भी उनको सुविधा होनी चाहिए, जो हम लोगों ने करके दी है। और जो आवाड़ साहब ने बोला है कि यहाँ पर आने वाले समय में शानू पठान साहब भी वहाँ पर थे। अच्छा ठीक है, अगर अब की साल ये तालाब बन जाएगा जैसा मांगा जा रहा है, जैसे लोग मांग रहे हैं जो छठ पर्व की पूजा अर्चना करते हैं उनकी जैसी मांगे, क्या वैसा तालाब आप लोग बनाकर देंगे? वैसा तालाब बनेगा, छठ पूजा की जो समिति है जो इतने सालों से काम करी है उनके ऊपर ही आवड़ साहब ने जिम्मेदारी दी है कि जैसा जिम्मेदारी आप पिछली बार भी बहुत लोग लिए थे तो लेकिन इस बार क्या हुआ, ये झगड़ा लड़ाई हो रहा है ना अभी। जिम्मेदारी दी थी उन्होंने, लेकिन इस बार साहब ने वही बोला है कि जैसा आप लोग उसका पाठ पुरावा करो जो समिति के लोग है, और जैसा आपको चाहिए वैसा तालाब आप बना के लो, मैं 50 लाख रुपए का निधि आपको दे रहा हूँ, शायद ये आपको भी पता है। ठीक।
चेतना मैडम, आज यहाँ पर काफ़ी विवाद हुआ तालाब पर जो है काम को लेकर, स्टेज लगाने को लेकर काफ़ी तूतू मैमें हुई हैं। आप भी अभी यहाँ पर आई हैं, क्या कहेंगे? एक्चुअली जैसे अभी सभी लोगों ने कहा कि ये एक सोशल प्रोग्राम है और ये एक धर्म की आस्था है। इस धर्म की आस्था के लिए जो पब्लिक की डिमांड थी वो हिसाब से हम मानते हैं कि जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ, लेकिन फिर भी करने का वादा अभी यहाँ के आमदार साहब ने दिया है और वो करवाने की जिम्मेदारी भी दी है, वो निधि भी दे रहे हैं। हाँ, और समिति को कहा है कि बराबर फॉलोअप देख के आप काम करवा के लीजिए। यहाँ लड़ाई का वजह सिर्फ एक ही है कि भाई कोई हक दिखा रहा है। ये सोशल जगह है, सोशल आस्था का ये है, हर जगह से लोग आएंगे, किसी एक वार्ड से लोग आने वाले नहीं है। पूरा मुमरा कौसा से जो यूपी साइडर्स छठ पूजा करने वाले लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हर एक के बैनर लगेंगे, हर एक कोई आएगा, ये ज़रूरी नहीं। ये कौन सा जो वक्त रहता है, एक वक्त का टाइम की वैल्यू रहती है। ये बोला जा रहा है कि मैं मेरा प्रोग्राम होने दो, आपका प्रोग्राम आप बाद में करो। अगर वक्त निकल जाने के बाद हम प्रोग्राम कैसे करेंगे, उस वक्त की कीमत है। हाँ, तो ये रोक टोक कोई नहीं कर सकता। हर कोई हर जगह लगाता है, बैनर लगाता है, हर प्रोग्राम करता है, तो वो वक्त की कीमत है। हम बाद में क्यों करें, हमको बाद में करने वाले, करने के लिए बोलने वाले वो भी कोई नहीं है। और हम सराहना करते हैं कि ब्यूटिफिकेशन किया है, हाँ तो अच्छी बात है, संस्था है, एक संस्था ने जो वो ब्यूटिफिकेशन के लिए जो डोनेट किया है उसकी हम वैल्यू करते हैं, लेकिन संस्था ने इस प्रोग्राम को खरीदा नहीं है। हाँ, और इस प्रोग्राम को और इस जगह को खरीदा नहीं है। हाँ, जो इस जगह पे आने के लिए उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि यहाँ कोई नहीं आ सकता। हाँ, और हम ही करेंगे, जो भी करेंगे हम करेंगे, ये गलत है।